तो हाई एंड एपिसोड विद भी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम बी ए इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट ये काफ़ी यू नो स्पेसिफिक कोर्स है जो बहुत कम स्टूडेंट स्पेसिफिकली ऑप्ट करते हैं जिनका बैकग्राउंड जो है वो हेल्थ केयर से रिलेटेड होता है लेट्स से आपने इवन बीएससी वाले स्टूडेंट्स भी ऑप्ट करते हैं पर ज़्यादातर फार्मास करने वाले स्टूडेंट्स डेंटल डॉक्टर्स ऐसे बहुत सारे यू नो इवन कई एमबीबीएस डॉक्टर्स भी करते हैं इस स्पेसिफ़िक कोर्स को तो ये तो कोर्स का ओवरव्यू हो गया बट एग्जैक्टली exactly होता क्या है किस तरह की प्रोफाइल्स हैं कैसे कॉलेजेस हैं एवरेज पैकेज क्या सही में इसमें अच्छा लगता है ऐसे बहुत सारे डिस्कशन करेंगे इस एपिसोड में सो लेट्स गेट स्टार्टेड सो आई होप यू गै डोइंगट बिकॉजिटली सुबर राइट हेल्थ केयर मैनेजमेंट आप समझ रहे हैं रिलेटेड इंडस्ट्रीज में मैनेजमेंट जॉब प्रोफाइल्स पर आप काम कर रहे होते हैं अब हेल्थ केयर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं दैट इंक्लूड हॉस्पिटल फार्मास्यूटिकल कंपनीज क्लिनिक्स राइट जो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स बनाती हैं मैन्यूफैक्चरिंग कंपनीज वो सब जो हैं वो इसके अंदर आती हैं अब एक्जैक्टली exactly क्या हम क्या होता है मैं छोटे से एग्जाम्पल्स से समझाती हूँ एक हॉस्पिटल है जहाँ पर हो सकता है आप कभी ना कभी कही न, कहीं ना कहीं गए ही हो फ्रेंड से मिलने या अपनी तो आप देखते हो गए कि अमीन इतने सारे पेशेंट्स इतने सारे डॉक्टर्स इतने सारे लोग काम कर रहे हैं ऑपरेशन थिएटर्स आई जनरल वार्ड्स तो कितना ज़्यादा मैनेजमेंट लगता होगा राइट और उसमें जो मैनेजमेंट प्रोफाइल पे काम कर रहे होते हैं जो पूरा शुरू से लेकर एंड तक कोऑर्डिनेट करते हैं दैट इज़ कॉल्ड हेल्थ केयर मैनेजर्स राइट तो ये एग्जांपल है ऐसे ही हर इंडस्ट्री में ये मैनेजर्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं एंड कोविड के टाइम पे हमने देखा एवरीबडी वॉज रनिंग बिहाइंड हॉस्पिटल तो आने वाले टाइम पे दिस इंडस्ट्री हैज़ अकोप राइट ह्यूज ऑपरचुनिटीज कुछ नेगेटिव पॉइंट भी हैं जो हम डिस्कस करेंगे पर अभी हम देखते हैं मेजर पॉइंट दैट इज आई थिंक मैंने अबाउट आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दिया है एलिजिबिलिटी क्राइटीरिया की बात करें तो आपका फिफ्टी परसेंट सिक्सटी परसेंट टाइम मिनिमम होना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हो राइट देन uh, उसके अलावा द एक्सेप्टेड स्कोर ऑफ़ इंडियन मार्केटिंग मैनेजमेंट इन आई एम्स एंड बी स्कूल्स अक्रॉस इंडिया आर लाइक सॉरी मतलब ये जितने भी अगर आप बात करें तो ये सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं दैट इंक्लूड्स कैट जैट इन मैट आई एफ टी स्नैप महाराष्ट्र सी टी सी मैट जिसके बेसिस पे आप डिफरेंट लेवल ऑफ कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर सकते हो फ्यूचर तो स्कॉप की अगर हम बात करें तो दिस इज बेसिकली एजेंसी जो कि रिपोर्ट Hai, that is called IBEF, right? So, the healthcare sector in India has been growing at a composite annual growth that is 17.69%. That is this one thing. The government of India has already committed to increase government healthcare expenditure about 1.6% currently to about 2.5% of GDP by 2025. Now, the reason is that when we had this, you know, health crisis during COVID, literally we were suffering. Ki, you know, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में लोग बहुत कम थे मैनेजमेंट इश्यूज एट पार थे तो कहीं ना कहीं जितना रिक्वायरमेंट है उतने ही मैनेजर्स की भी रिक्वायरमेंट है देन uh, उसके अलावा अगर हम हेल्थ केयर हेल्थ इंश्योरेंस मेडिकल डिवाइजेज टेली मेडिसिन आर एंड डी इन हेल्थ केयर ये काफ़ी ग्रोइंग मार्केट है स्पेशली अगर आप अब्रॉड जाते हैं तो आप रिसर्च में जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे अभी एक्जैक्टली नाम नहीं आ रहा जो कंपनी है इंडिया की जिसने uh, आई मीन कोविड को लेकर लेके यू नो दिस एंटी वायरस और यू कैन कॉल इड जो रेमिडी निकाली थी आई मीन मैंने देखा कि यू नो रिचे पर्सन की लिस्ट में आई थिंक ही वज अमंग टॉप टेन राइट एंड दैट इज आई थिंक सम पूना वाला राइट इफ एम नॉट रॉन्ग सो आप सोच सकते हैं कि इंडस्ट्री हैज़ अ वाइड स्कोप इन टर्म्स ऑफ आर एंड डी मैं एक यू नो टेट टॉक्स देख रही थी आई थिंक इफ इट्स ऑफ बिल गेट्स जहाँ पे हमने ये देखा कि यू you नो know, आने वाले टाइम पे ही ऑलरेडी वज टॉकिंग अबाउट कोविड और ये काफ़ी पुरानी टॉक है जहाँ पे यू नो वॉर्स नहीं होंगे मेडिकल वॉर्स होंगे तो इस सिचुएशन को देखते हुए हम आज भी देख रहे हैं कभी किसी और कंट्री में कोई और टाइप ऑफ वायरस जो है वो निकला है तो ये इंडस्ट्री हैज़ अ ह्यूज स्कोप नॉट ओनली इन इंडिया अगर आप रिसर्च में देखना चाहते हैं ऑल्सो मोर इन अब्रॉड

आपके साथ तो ये नहीं बिफोर टू टेक एडमिशन इन एनी कॉलेज गेट रियलिटी ऑफ इट स्टूडेंट खबरी हर कॉलेज की खबर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल और हर कॉलेज कौन सा अच्छा होगा ये प्रोफाइल टू प्रोफाइल वेरी करता है सो इफ यू वांट टू नो दैट व्हाट आर द टॉप ऑप्शंस फॉर यू एस पर योर प्रोफाइल तो नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके भी आप डिटेल्स ले सकते हैं सो नॉट दी दीजा दॉलेज जो कि हेल्थ केयर में ऑप्ट कर रहे हैं जैसे मैंने अभी रिसेंटली इस टॉपिक को बनाने से पहले एस आई एच एस पुणे पर वीडियो बनाया जिम्स गोवा है वेलिंकर है सुमाया है आई आई एच एम आर जयपुर है डी ए वी वी है ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं पर दीजर नॉट दी टॉप कॉलेज दीजा कॉलेज हु आर ऑफरिंग एम बी ए इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट देन अब्रॉड में न्यू यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ टोरोंटो सेंट्रल मशिगन यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी वाशिंगटन सो दीजा द टॉप ऑप्शन फीस डिपेंड्स ऑन कॉलेज टू कॉलेज किसी कॉलेज का ग्यारह लाख है किसी का पाँच लाख है किसी का बाईस लाख है तो ये कॉलेज टू कॉलेज कहीं ना कहीं वेरी करती है जॉब प्रोफाइल्स इंश्योरेंस कैपिटल रिसर्च मैनेजर देनिंग एडमिनिस्ट्रेटर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर मेडिकल रिकॉर्ड सुपरवाइजर क्लिनिकल डायरेक्टर चीफ एक्सक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ केयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट मैनेजर एंड स्किल्स रिक्वायर्ड में एनालिटिकल टीमवर्क कम्युनिकेशन टारगेट अचीवमेंट यानरिक स्किल्स हैं जो हर स्पेशलाइजेशन में रिक्वायर्ड होती है uh, उसके अलावा अगर हम बात करें टेक्निकल स्किल्स में डेटा एंडफील्ड नॉलेज ऑफ सॉफ्टवेयर रिलेटेड टू हम ऑफिस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट एंड सैलरी की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा ये गड़बड़ है कि इसका एवरेज पैकेज जो है मेजोरिटी ऑफ कॉलेज में इवन अगर आप पाँच लाख से स्टार्ट मतलब ज्यादातर कॉलेजेज में पाँच छः लाख से ज्यादा का एवरेज पैकेज नहीं होता है एंड uh, दो यहाँ पे आठ लाख रुपये लिखा हुआ है बट आई मीन मेजोरिटी ऑफ कॉलेज फाइव सिक्स लाख का एवरेज पैकेज तो इंडस्ट्री में यू नो यू गेट दिस हाई एन अपॉर्चुनिटी आफ्टर गेनिंग समथिंग बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कई सारी हमने इंडस्ट्रीज ऐसी देखी जैसे लॉजिस्टिक सप्लाई चेन वहां पे फ्रेशर्स के पास पैकेजेस एचआर में हमने देखा कम होते हैं तो ये ऐसे सेक्टर्स में आते हैं जहां पर इनिशियली पैकेज कम है विद टाइम विद एक्सपीरियंस यू गेट बेटर ऑपरचुनिटी बेटर प्लेसमेंट तो आप रिटर्निंग in में कहीं भी कम्पेयर नहीं कर सकते हैं